वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है दैट विल बी ऑन डिबेंचर्स, राइट। बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो होगा अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड DRR इन्वेस्टमेंट, या फिर आप फंड्स बोलो। एक बार समझने की कोशिश करना। देखो कंपनी, ठीक, कंपनी को अगर फंड्स की ज़रूरत होती है, राइट, तो ये बाहर से लेते हैं, तो आउटसाइड सोर्स करते हैं, राइट। ये सपोज़ पब्लिक है, ठीक, तो पब्लिक से कंपनी क्या करती है, फंड्स रेस करती है। ये क्या, इनके पास फंड्स आता है, अब इनसे जो फंड्स लिया है इनको तो रिपे तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो रिडेम्पशन पीरियड होता है ना डिबेंचर्स का, वो होता है 10 ईयर्स। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे आपका 20 ईयर्स भी होता है, ठीक है, 30 ईयर्स भी होती है, तो मैं 10 ईयर्स की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डिस्कशन पर। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ से रेस करती है, पब्लिक से रेस करती है फंड्स, ठीक। अब जो रेस करती है तो कंपनी क्या 10 साल के बाद का डायरेक्ट पेमेंट करती है कि हर साल इनको करना पड़ता है, राइट। देखो कंपनी को हर साल जो होता है ना, पहला बात तो इनको इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है, पहला तो ये है, ठीक है। अब देखो कंपनी जो फंड्स रेस कराए, अब कंपनी भाई 10 साल बाद रिडेम्पशन करेगी, अब 10 साल में कंपनी का क्या पोजीशन होगा, क्या नहीं होगा कंपनी, ठीक है, क्या किस हालत में है, वो पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उस हिसाब से हमको जो कंपनी लॉ सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, क्या बोला है, सेक्शन 70 ऑफ द 2013 हमको ये बोला गया है कि जो भी कंपनीज है, राइट, जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड किसका मैं बात कर रहा हूँ, अनलिस्टेड कंपनीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, ठीक, क्योंकि ये अमेंडमेंट आया था, अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है, अदर देन NBFCs एंड HFCs, क्या NBFCs क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है ना उनको क्या बोला गया, कंपनी ने जो हमको कंपनी एक्ट ने क्या बोला है हमको कि जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है उनको 25% का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। हर साल उनको क्या करना पड़ता है, 25% उनको रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जितना उनका इनका जितना ओपनिंग डिबेंचर्स आ रहा है ना उनका उतना उनको क्रिएट करना पड़ेगा 25%। अब जो 25% है इसको सेग्रीगेट करा गया है, ठीक है, सेग्रीगेट कैसा करा गया है देखना समझना। पहला तो आपको बोला है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो एट द रेट 10%। दूसरा आपको बोला है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर आप फंड्स भी बोल सकते हो, एट द रेट 15% क्रिएट करना है। अब ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है ये क्या होता है, 10% ऑफ द डिबेंचर जॉब का आउटस्टैंडिंग है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी आपका डिबेंचर्स पे ही बनता है। अब देखो ये जो 10% और 15% है ना इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट, इससे कम का जो आपका रिजर्व बनेगा उतना नहीं बनना चाहिए, आपका जो भी हो 10% या फिर 15% या फिर उससे अबव आपको रिजर्व क्रिएट करना है एवरी ईयर, राइट। अब ये जो क्रिएट होता है ना ये ओपनिंग डे पे हो जाता है, राइट, अगर मैं ओपनिंग डे अगर मैं बोलूँ तो आपका फाइनेंशियल ईयर में हो गया तो 1 अप्रैल हो गया, या फिर आप कैलेंडर ईयर में बोलो तो आपका क्या हो गया 1 जनवरी, तो मतलब क्या ओपनिंग डे पे आपका ये रिजर्व क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग जो भी होता है ना डिबेंचर उतना पे आपका क्रिएट हो जाता है। तो हमारा जो मेन जो फोकस होने वाला आज का टॉपिक पे वो होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पे एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर आप फंड्स बोलो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला फिर से मैं आपको बोलता हूँ, कंपनी को इंटरेस्ट तो बियर करना पड़ता है, ठीक है, बाकी इनको जो इनको जो रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ता है, किनको क्रिएट करना पड़ता है, अनलिस्टेड कंपनीज को, ध्यान देना अनलिस्टेड कंपनीज, अदर देन NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, राइट। अब देखना इसको हम छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे, अब जो भी मैं एग्जांपल लिया हूँ ना ये सब एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स है, राइट। तो इसको समझना, जैसे कि कंपनी के पास डिबेंचर्स है, कंपनी ने डिबेंचर इशू करा था 10 लाख पर, ठीक। अब जो प्रीमियम जब रिडेम्पशन कर रही है कंपनी प्रीमियम पे कर रही है 10% पे कर रही है, ओके। कंपनी का जो रिडेम्पशन डेट है दैट इज 30th September, दैट इज़ द रिडेम्पशन डेट। अब आप यहाँ पे देखना कंपनी जो रिडेम्पशन कर रही है 10% कर रही है, मतलब कंपनी जो प्रीमियम कितना हुआ कंपनी का 10,000। तो अगर मैं इसका जर्नल एंट्रीज मारूँ
तो जनरेटिस पहले तो क्या आने वाला है आपका, एक सेकेंड, अरे यार ठीक है, जनरेटिस क्या होने वाला है, क्योंकि अपना डिबेंचर्स कैंसिल हो रहा है तो आप क्या करोगे, डिबेंचर को डेबिट कर दोगे, बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो, जितना भी अमाउंट है 1,10,000 आ जाएगा, और ये कितना पे आएगा 1,00,000, और बाकी का आपका क्या हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हो गया आपका 1,00,000 रुपये, ठीक है, बाद बाकी ठीक है, ये आपका हो गया पहला एंट्री। दूसरा आपको यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी रिडेम्पशन कर रही है, वैसे तो मेरे को ये पहला एंट्री नहीं देना चाहिए था, जो फर्स्ट एंट्री मेरा होना चाहिए था, फर्स्ट एंट्री वो क्या होना चाहिए था सर जी, हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपको ओपनिंग डे पे ही आपको रिजर्व क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसका एंट्री देखना, जनरल एंट्री क्या होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, क्योंकि आपको ओपनिंग डे में क्रिएट करना होता है, और जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है ना वो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है, मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से क्रिएट होता है। अब आप ही सोचा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट हो रहा है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना क्रिएट करना है हमको, हमको करना था 10% करना था, क्योंकि इसका क्या था देख लो, यहाँ पे 10% था ना, तो हमको 10% क्रिएट करना है, तो 10% अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपका 1,00,000 आ जाएगा, तो आपका 1,00,000 का रिजर्व क्रिएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट या फिर फंड क्रिएट होना चाहिए, वो कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ अ डेबिट बैलेंस, राइट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, वो आपका 15% होता है, तो 15% अगर मैं इस केस में बोलूँ तो 1.5 लाख, ठीक। अब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इस पर हमको इंटरेस्ट भी बियर होता है, इस पर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है ना, रिजर्व क्रिएट करते साथ ही कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है, और साथ ही साथ इनको इन्वेस्टमेंट पर इनको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। अब जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो क्रिएट हुआ है ना, अब जब कंपनी रिडेम्पशन करती है, राइट, ये तो ओपनिंग डे पे बनता है, जैसे अगर मैं बोलूँ ओपनिंग डे इस केस में 1 अप्रैल है, ठीक है। अब जब कंपनी रिडेम्पशन कर रही है, जैसे इस केस में 30 सितंबर को कर रही रिडेम्पशन, अब जैसे ही रिडेम्पशन होता है ना, तो जो DRR है ये जो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आपका जनरल रिजर्व पे, ये आपका जनरल रिजर्व पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि क्या हो जाता है DRR टू जनरल रिजर्व, और ये आपका जो DRR इन्वेस्टमेंट है इसको कैंसिल करना पड़ता है, क्या कैंसिल मतलब जो आपको अमाउंट है वो आपको रियलाइज़ करना पड़ता है, आपको ये अमाउंट क्या करना पड़ता है, रियलाइज़ करना होता है, ये आपको रिजर्व आपको ना रिवर्स एंट्री मार तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक तो और एक अच्छा एग्जांपल है समझते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है समझना, जैसे 10 सितंबर 1,00,000, ठीक है, आपके पास आपने करा इशू, 10% आपका है प्रीमियम, कब आप इशू कर रहे हो, कब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, 30 सितंबर, जो DRR आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस यू आपके पास है 9,000, और DRR जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का, आप उनके सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। DRR इन्वेस्टमेंट क्या बोला आपको, 12,000 आपको है, यहाँ पे क्या लिखा 10% क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना DRR पे, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना, ये भी ओपनिंग है, तो ये आपके पास पड़ा है 12,000। तो अगर आप एक बार चेक करोगे तो आप 1,00,000 आपके पास होना कितना चाहिए था, आपके पास होना चाहिए था इसका 10% होता है, वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा 10 या 15%, ठीक है। तो 10% का 1,00,000 अगर आप करोगे तो आपका आ रहा है 1,00,000 आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है, तो अगर मैं इसको 90,000 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल होगा, ठीक है, और इसको 1,20,000, ठीक, हाँ, तो ये आपका हो गया, हाँ। तो अब देखोगे कि 1,00,000 हो रहा है, और आपके पास जो अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस आपके पास 90,000 है, मतलब आपका 10,000 रुपया कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और आप क्रिएट कैसा करोगे, क्योंकि हमको पता है ये ओपनिंग पे ही बनता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको PNL से क्रिएट करना है, तो PNL को डेबिट कर दो, PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10,000, ठीक है। तो ये तो आपने पहले क्रिएट कर लिया, ओके। अब आप देखो आपके पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000 है, 15% करके देखेंगे हमको कितना होना चाहिए, 1,50,000। आपके पास शॉर्ट जो अमाउंट है 30,000 है, आपको वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप 1 अप्रैल ओपनिंग पे ही क्रिएट करोगे कितना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू बैंक
30,000 आप क्रिएट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो। रिडेम्पशन का जो आपका डेट है वो आपका 30th September है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि एक ही पेज में समझ लेंगे तो सही होगा। तो आपका रिडेम्पशन पीरियड है 30th September। अब आप देखना, जब कंपनी रिडेम्पशन करती है ना, ठीक है, रिडेम्पशन करने के पहले ही कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट करा था वो आपको रियलाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है, हमने जब इन्वेस्टमेंट करा था क्या करा था, DRR इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब जब कंपनी रिडेम्पशन से पहले क्या करना होता है कंपनी को, ये रियलाइज़ करना पड़ता है, मतलब जो अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट करा आपको रियलाइज़ करना है। कैसे आप करोगे, पहला मैं एंट्री करता हूँ बैंक, क्योंकि आपके पास अमाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर आप फंड बोल लो, ठीक है। कितना रियलाइज करो आप, क्योंकि आपने 30,000 का क्रिएट कर लिया था ना, तो आपको 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं बोला था 10%, अरे यार 10% आपको DRR का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका DRR इन्वेस्टमेंट का जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 10%, तो आपको इंटरेस्ट भी रियलाइज होगा। तो आपको इंटरेस्ट कैसे रियलाइज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट आ रहा है टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा अगर आप 10% ऑफ, एक सेकेंड, 10% ऑफ 1,50,000 था ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 April टू 30th September, वो आपका हो रहा है 6 महीना शायद से ना, हाँ, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो आ गया 7,500। कैसा निकाला फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, आपके पास था 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस था ना, आपने क्रिएट करा था 30,000, फिर आपका कितना हुआ 1,50,000 हुआ था। तो 1,50,000 पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है 10% है। और देखो कंपनी रिडेम्पशन कब कर रही है, 30th September, तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्रिएट, ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 1 April टू 30th September कितना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही। तो आपका क्या होता है 6/12, तो आप करोगे तो 7,500 आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है, अमाउंट आपको रियलाइज हो गया, इंटरेस्ट भी आपको रियलाइज हो चुका, ठीक है। ये था आपका रिडेम्पशन से पहले, इसको मैं रब कर देता हूँ, होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, कंपनी रिडेम्पशन करेगी, अभी अमाउंट रियलाइज हो चुका, ठीक है। पहले हमने क्या करा, ओपनिंग हमारे पास लेस था तो हमने क्रिएट करा ये दोनों का, DRR और DRR इन्वेस्टमेंट को, जो बैलेंस अमाउंट था उसको क्रिएट करा। फिर हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट जो करा था DRR पे उसको रियलाइज़ करा, और अपना इंटरेस्ट जो मिलना था अपने को वो भी हम लोगों ने रियलाइज़ करा। अब क्या हो रहा है, कंपनी रिडेम्पशन कर रही है, 30th September को कंपनी रिडेम्पशन कर रही है। अब कंपनी रिडेम्पशन कर रही है तो मतलब क्या, इनका डिबेंचर कैंसिल हो रहा है, तो अब डेबिट कर दो। डिबेंचर कितना है, 10 lakhs। पेमेंट कितना हो रहा है, पहले तो यहाँ आना चाहिए डिबेंचर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर बोल दिया मैं, टू डिबेंचर होल्डर आपका आ रहा है 11 lakhs आएगा, और जो आपका प्रीमियम गया है ऑन रिडेम्पशन वो आपका सर जी कितना है, ये आपका था 1 lakh, ठीक है ना। अब फिर आप क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो उनको। तो पेमेंट आप कैसे करते हो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 11 lakh, ठीक है ना। ये था आपका रिडेम्पशन का एंट्री, और जो प्रीमियम है इसको आप PNL के साथ राइट ऑफ कर दो, या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके साथ आप राइट ऑफ कर दो, राइट। ये होने के बाद आप देखो, कंपनी रिडेम्पशन कर लिया ना, रिडेम्पशन करने के बाद ही कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो आपने ये DRR क्रिएट करा था इसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है जनरल रिजर्व पे। कंपनी रिडेम्पशन करने के बाद कंपनी को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास DRR कितना था सर जी, 1 lakh का था, 10,000 का आपने बाद में क्रिएट करा था ना, तो आपको क्या करना है, DRR डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व पे, आप कितना था 1 lakh rupees, ठीक है। तो ये था DRR और DRR इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।